गोविंदपुरा नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करता था। हरी खुद गरीब था, लेकिन सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। बीवी ने दिए हुए मोती चूर के लड्डू खाता हूँ, भूख भी बहुत लगी है। हरी जहाँ काम करता था उसके पास में ही एक श्याम और ब्रिज नाम के किसान काम करते थे, और उन दोनों का काम था हरी को दिन भर तंग करना। श्याम श्याम, देख रहा है हरी के डब्बे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर कोई स्वादिष्ट पकवान होगा। तो फिर देर किस बात की, चलो जाकर हरी से मांग कर खा लेते हैं। अरे हरी, तेरे डब्बे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लड्डुओं की। हाँ हाँ, स्वादिष्ट तो होगा ही, मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, लो लो खाओ। देख, हमने सब खा लिया, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बचा। मैं तो घर जाकर खा लूंगा, अभी पानी पीकर पेट भर लूंगा। सूरज ढलने के साथ साथ सभी लोग अपने घर की ओर चल पड़े। सभी अपने अपने मवेशी और अपने औजार लेकर घर चले गए। और तभी अचानक बड़ी जोर से बारिश शुरू हुई, और तभी हरी अपना छाता खोल लेता है। रास्ते पर चलते चलते उसके कानों में एक रोने की आवाज सुनाई दी और हरी रुक गया। अरे ये क्या, किसी के रोने की आवाज आ रही है, कौन रो रहा होगा, जाके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लगता है उस तरफ से आवाज आ रही है। हाँ, उसी तरफ से आ रही है आवाज। हरी रोने की आवाज सुनकर आगे बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि पास ही के गाँव की एक लड़की वहाँ पर रो रही है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? श्याम और ब्रिज मेरा छाता जबरदस्ती खींच कर ले गया, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। ओह, बस इतनी सी बात, ये ले मेरा छाता ले और तू घर चली जा, तू आराम से घर चली जा, ठीक है? और आप? मेरी तो चिंता मत कर, मेरा घर नजदीक ही है, मैं अगर थोड़ा भीगूंगा भी तो कोई परेशानी नहीं है, जा जा। अब बहुत अच्छे हरी भैया, बहुत अच्छे। हरी बारिश में ही चलने लग जाता है। और अचानक हरी के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। अरे ओ हरी, तुमने अपना छाता बहन को क्यों दे दिया? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो हरी। ये लो, तुम्हें मैं अपना लाल छाता दे रही हूँ, तुम आराम से घर जाओ जाओ। हरी फिर से चलना शुरू करता है, तभी अचानक वो छाता बोलने लगता है। धन्यवाद हरी। कौन बात कर रहा है मेरे साथ? मैं छाता हूँ, तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ। ये क्या है, छाता कभी बोल सकता है क्या? मैं जादुई छाता हूँ। हाँ, जादुई छाता? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो और मैं तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे ही रहूँगी, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, अब तुम चलना शुरू करो। छाते के कहने पर हरी उसे छोड़ देता है और छाता उसके साथ साथ चलता है। रास्ते में चलते चलते वहाँ पे श्याम और ब्रिज उसे देख लेते हैं। ए श्याम श्याम, जरा देख, वो छाता उसके साथ अपने आप चल रहा है। अरे छाता अपने आप चल रहा है और हरी ने उसे पकड़ा भी नहीं है, कितनी अद्भुत बात है। ये छाता हमें चाहिए। चल, उसे बेवकूफ बनाकर उसे छाता ले लेते हैं। अरे भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं?
अरे क्या बताऊँ अपने दुख की बात, बारिश में मेरा घर टूट गया। इतनी बारिश हुई कि मेरा छत टूट गया है। अगर मेरी हैसियत होती तो मैं आपका टूटा हुआ घर बदल के नया घर बना देता। हरी, क्या तुम चाहते हो कि इस आदमी का ये घर ठीक हो जाए? अच्छा, तुम्हारे पास इसका उपाय है? ये देखो। वाह 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 वाह, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ए श्याम, टिक 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 टिक, इसके पास जादुई छाता है। वो छाता जिसका भी है वो मुझे चाहिए, उसे बस एक बार घर से बाहर निकलने दे। ठीक उसी वक्त श्याम और प्रिज उसके सामने आ गए और वो उस लड़की से पुराना छाता छीन कर लाते हैं। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, इतनी बारिश में उस लड़की का छाता छीन लिया उससे, ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की हरी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये ले, उस लड़की का छाता तुझे दे दिया। ए हरी, तेरे सिर पर जो ये छाता है ना, ये मुझे दे देना, बहुत सुंदर है। जरूर दूंगा, ये लो। तुझे हमने ये छाता दिया, बदले में तू हमें क्या देगा? ये तो मेरे पड़ोसी गांव के बहन का छाता है। हाँ, तो ये छाता जो मैंने तुझे लौटाया ये तेरा है, और जो तूने मुझे दिया वो अब हमारा हो गया। नहीं नहीं, वो छाता तो मेरा है, वो मुझे लौटा दे। अगर ये छाता तुझे चाहिए तो उसके लिए हमसे लड़ना होगा। सच बता, लड़ पाएगा हमसे? बोल बोल। नहीं, मैं कभी भी किसी चीज के लिए किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर वो चीज मेरी किस्मत में है तो वो मेरे पास ही रहेगी, और अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो तुम्हारे पास रहेगी। ये बोलकर हरी रोते हुए आगे निकल गया, और हंसते हंसते वो वहाँ से आगे निकल गए, और तभी उसी वक्त वो बुढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। सुनो दुष्ट लड़को, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी ब्रिज और श्याम ने देखा कि एक काले रंग का सांड उनके लाल रंग के छाते को देखकर उनकी तरफ जोर से दौड़ रहा है। तभी वो छाता फेंक के सांड के डर से भागने लग जाते हैं, और हरी वो छाता उठा लेता है। बचाओ बचाओ बचाओ, सांड हमें जान से मार देगा। बचाओ बचाओ बचाओ। जंगल के अंदर रहकर सारे पाप धोने से ही तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो ये सांड सारी जिंदगी तुम लोगों को दौड़ाता रहेगा। हमें छोड़ दो, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, यकीन कीजिए। हाँ समझ गए दादी माँ, आगे से हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। श्याम और ब्रिज के पीछे वो सांड भागता ही रहता है,